नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आप लोगों ने सुना तो ही होगा, कई बार फिल्मों में होता है कि कोई अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। आपने एक फिल्म में एक सीन देखा होगा, शोले फिल्म, धर्मेंद्र की और अमिताभ बच्चन की। धर्मेंद्र बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। जब ये ऐसा ही वाक्या अगर सच्चाई में देखने को मिले तो कैसा ये मंजर हो। हम आज बात करेंगे एक ऐसी ही सच्ची जो घटना है उसके बारे में। हम आज आपको बताएंगे, किसान जब अपने हकों के लिए आंदोलन करता है या अन्य प्रकार के प्रदर्शन करता है। हम बात कर रहे हैं सिरसा ज़िले की। आज के अखबार में आप देख सकते हैं, भास्कर ने यह खबर प्रकाशित की है। आप देख सकते हैं, भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं अपने हकों की मांग को लेकर। हम बात कर रहे हैं उन किसानों की। धर्मेंद्र को देखा आपने, बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। किसान लगातार दो दिन से सिरसा ज़िले के नारायण गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नारायण गांव का जलघर है उसके ऊपर, टंकी के ऊपर चढ़कर चार किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उनकी तबीयत खराब हो गई। एक किसान को बुखार हो गया, एक किसान को बीपी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं सारी रात उन्होंने कम जगह पर बितानी पड़ी। आखिर किसानों को यह प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं? जब सरकार की बात आती है, किसानों की बात आती है, तो नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। अगर धरातल की बात करें तो आज ना तो जवान खुश हैं ना किसान खुश है। किसानों को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार बात करती है बीमा पॉलिसी की, लेकिन धरातल पर जब बीमा की देने की बात आती है कंपनियों की, तो सरकार और जो बीमा कंपनियां हैं किसानों को धक्के खाने पर मजबूर कर देती है। इन किसानों की क्या मांग है जो नारायणगढ़ में जलघर में जो 110 फीट ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है मुआवजे की। जो इनकी फसलों का मुआवजा है, जो इनका हक भी बनता है, उस हक को मांगने के लिए है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने किसान आंदोलन देखा, लंबे समय से देश की सड़कों पर किसानों ने प्रदर्शन किया अपने हक के लिए। बात यहाँ पर किसानों की है और उनके हक की है। जो ये राजनेता हैं, चुनाव के समय आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के लिए मुआवजा देने की बात करते हैं या फसलों के रेट बढ़ाने की बात करते हैं या MSP की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो 5 साल किसान को रोना पड़ता है अपने हकों के लिए। जनता भी लगातार परेशान है, चाहे हम बात करें कर्मचारियों की, व्यापारियों की, मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की, सभी वर्ग आज सरकार से परेशान है। लेकिन सरकार है कि कुछ सुनने को, कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब ये किसान पानी की टंकी पर जल घर पर चढ़े हुए हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? अपने हकों की मांगों के लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हक इनको वैसे ही मिलना चाहिए जो इनकी ज़मीन है, इनकी फसल का जो मुआवजा है सरकार को वैसे ही देना चाहिए। लेकिन अपने हकों के लिए इस तरह प्रदर्शन किसानों को करना पड़ रहा है मजबूरी वश। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता साबित होती है। अब बात आती है हाल फिलहाल जो वर्तमान में मुद्दे चले हुए हैं। मेवात में एक हिंसा हुई, एक यात्रा निकाली गई थी, ब्रज मंडल यात्रा, उसमें दो समुदायों के बीच एक हिंसा होती है, आगजनी होती है। उस पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो बयान है, वो कहते हैं कि पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पाती। क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना शोभ है? क्या मुख्यमंत्री को सोचना नहीं चाहिए? प्रदेश की हर जनता ने उसको वोट दिया है और मुख्यमंत्री बनाया। क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा करना? आज किसानों की बात करें, सरपंचों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सभी को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये देश प्रदेश में आंदोलन चले हुए हैं, लेकिन जो ये वाक्य हम आज आपको बता रहे हैं, किसानों को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा,
यह कोई पहला वाक्य नहीं है। देश में पहले भी ऐसी कई बार घटना होती हैं, किसान अपने हकों के लिए आत्मदाह कर लेता है या अन्य घटनाएं सामने आती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, आपका क्या कहना इस पूरे वाक्य पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और पूरे मामले को लेकर क्या आपके विचार हैं वो भी जरूर रखें। धन्यवाद।